हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर क्लास फोर्थ ऑफ ईवीएस। टेक आउट योर ईवीएस बुक, ओपन लेसन नंबर 8, हैविंग फन। यस, यू कैन सी देयर आर टू गर्ल्स, सानिया एंड तान्या। हाय तान्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज रिक्रिएशन? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि रिक्रिएशन का मीन क्या होता है? हाय सानिया, डूइंग समथिंग टू रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए कुछ भी करना, इट मीन्स कोई भी एक्टिविटी करना, उसे कहते हैं रिक्रिएशन। पीपल रिलैक्स एंड हैव फन इन डिफरेंट वेज। लोग जो हैं आराम करते हैं और हाँ आनंद उठाते हैं अलग अलग तरीके से। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। लिसन टू सॉन्ग्स, सॉन्ग सुनना पसंद है ऑन द रेडियो, रेडियो से। इन स्कूल आई एंजॉय प्लेइंग खो खो विद क्लासमेट। और स्कूल में मैं अपना रिक्रिएशन कैसे करती हूँ? अपने क्लासमेट्स के साथ खो खो खेल कर। हाय, माय नेम इज श्रुति, मेरा नाम श्रुति है। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, मैं 8 ईयर की हूँ। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। आई लाइक टू डांस आफ्टर स्कूल, मुझे स्कूल के बाद डांस करना पसंद है। इट्स फन, ये बहुत आनंद, इससे आनंद मिलता है। आई हैव लर्न टू अ फ्यू डांस स्टाइल्स, लाइक मैंने कुछ डांस स्टाइल्स सीख लिए हैं, सालसा, क्लासिकल, हिप हॉप। आई एंजॉय डांसिंग, मुझे डांस करने में मज़ा आता है। इट्स माय हॉबी, ये मेरी हॉबी है। व्हेन एवर आई गेट फ्री टाइम, जब कभी मेरे पास फ्री टाइम होता है, आई डांस ऑन द वेस्टर्न म्यूजिक, तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक पर डांस करती हूँ। हाय, आई एम यश, मैं यश हूँ। आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, मैं 9 ईयर का हूँ। आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, मैं भी दिल्ली से हूँ। आई डोंट लाइक डांस मच, मुझे डांस करना ज़्यादा पसंद नहीं है। लाइक माई फ्रेंड्स श्रुति, मेरी फ्रेंड श्रुति की तरह, आई एम नॉट गुड एट इट, मैं डांसिंग में अच्छा नहीं हूँ। आई लाइक म्यूजिक, लेकिन मुझे म्यूजिक पसंद है। माई हॉबी इज़ प्लेइंग गिटार, मुझे गिटार मेरी जो हैबी है, मेरी जो हॉबी है गिटार प्ले करना है। इन माय फ्री टाइम आई प्ले सॉफ्ट म्यूजिक, और जब कभी मेरे पास टाइमिंग फ्री टाइम होता है तो मैं गिटार पे सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करता हूँ। यस, यू कैन सी, लुक एट द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन बिलो, दे ऑल आर हैविंग फन। वो सब अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बॉल से प्ले कर रहे हैं, फुटबॉल प्ले कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं। ओके, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग, आपको क्या करने में मज़ा आता है? व्हेन डिड यू लास्ट डिवोट टाइम फॉर एंजॉयिंग, कौन सा आपको याद है लास्ट टाइम आपने कौन सा ऐसे एंजॉय किया, मतलब कौन सा टाइम आपके एंजॉयमेंट के लिए निकला? विद अ हैक्टिक शेड्यूल पीपल रेयरली हैव टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ लेजर एक्टिविटी। तो आजकल जो शेड्यूल होता है सबका, वो काफ़ी बिजी होता है, तो उसमें अपना आराम का टाइम या रिलैक्स टाइम या फ्री टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। यूजुअली वी ऑल आर बिजी इन आवर और रूटीन लाइफ, हम अपने रूटीन लाइफ में जो हमारा शेड्यूल है वो उसमें ऑलमोस्ट बिजी रहते हैं। बी इट स्टूडेंट, टीचर, मदर और फादर, चाहे हम स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हो, टीचर हैं, मदर है, फादर है, सबका अपना डेली रूटीन वर्क है, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एवरीबडी हैज़ देयर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसमें हर कोई बिजी रहता है। और फिर उसमें से कोई फ्री टाइम निकालना ये बड़ा ही मुश्किल हो पाता है, बहुत कम हो पाता है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल गेट सम स्पेयर टाइम, लेकिन सारे इस टाइमिंग को देखा जाए तो कभी हमें स्पेयर फ्री टाइम मिलता है। इन दैट स्पेयर टाइम वी प्रिफेयर डूइंग एक्टिविटीज़ दैट वी इंजॉय, तो कुछ एक्टिविटीज़ हम ऐसी करते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है। हॉबी, हॉबी क्या है? हॉबीज इज एन एक्टिविटी वन लाइक टू डू वंस स्पेयर टाइम। हॉबी कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आपको वो चीज़ करना पसंद होती है उस फ्री टाइम में। हॉबीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डेवलपिंग वंस पर्सनैलिटी, किसी की भी पर्सनैलिटी को डेवलप्ड करने के लिए, अपने आप की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हॉबीज जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अ पर्सन मे बिकम अ मशीन, अगर इफ़ ही डज हिज रूटीन वर्क थ्रू आउट द डे, अगर कोई भी पर्सन सारा दिन अपना रूटीन वर्क ही काम करता रहेगा तो वो एक मशीन बन जाएगा। ही मे लोज इंटरेस्ट इज वर्क यू और फील बोर्ड इट, और उसे अपने काम में बोरियत महसूस होगी और वो उसका जो इंटरेस्ट है अपने डेली वर्क को करने में भी वो भी कम हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज सेड दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय।
हाँ, सारा टाइम वर्क करना और अगर उसे खेलने को नहीं दिया जाए तो ये जो जैक है ये भी कैसा हो जाएगा, डल हो जाएगा. सो एवरी पर्सन शुड हैव अ हॉबी टू कीप हिमसेल्फ फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट. तो हर एक पर्सन की कोई ना कोई हॉबी होती है जिससे वो अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखता है. पीपल शुड टेक आउट सम टाइम फ्रॉम दियर रूटीन वर्क एंड प्ले गेम्स. लोग जो हैं अपने रूटीन वर्क में से कुछ समय निकालते हैं और उस समय में वो गेम्स प्ले करते हैं. गॉन पिकनिक, पिकनिक पर जाते हैं और मूवीज़ियाँ मूवी देखने जाते हैं. एवरीबडी शुड परस्यू दियर हॉबीज़. हर किसी की एक हॉबीज़ होनी चाहिए. हॉबीज़ कीप अ पर्सन एक्टिव, बिजी एंड चेयरफुल. हॉबीज़ से जो पर्सन है अपने आप को एक्टिव रखते हैं, बिजी रखते हैं और खुशी मिलती है उन्हें. इट गिव्स अस मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन. इससे मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह के आराम मिलते हैं. इट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल एंड इम्प्रूव हेल्थ. और जो तनाव होता है हमारे डेली रूटीन लाइफ में वो भी कम होता है और हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है. अबव ऑल इट हेल्प्स इन मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ वन स्पेयर टाइम बाय पर्स्यूइंग अ हॉबी. अगर आपके पास कोई अपनी हॉबी है, आप उस तरह का वर्क अपने फ्री टाइम में करते हो तो आपका फ्री टाइम भी आपका बहुत अच्छे से स्पेंड होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन इंक्लूड्स प्लेइंग स्पोर्ट्स. अलग अलग तरीके के रिक्रिएशन होते हैं जो आपके रिलैक्स टाइप में आप एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे प्लेइंग स्पोर्ट्स, गेम खेलना, विजिटिंग फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास जाना एंड फ्रेंड्स के पास जाना और गोइंग टू द जू चले जाना, एनिमल्स को देखना, इंजॉइंग द बीच पर इंजॉय करना, वॉचिंग मूवी देखना, डांसिंग डांस करना, पेंट करना एंड सो. और इस तरह की कई एक्टिविटीज़. सम पीपल इंजॉय इंडोर एक्टिविटीज़ वाइल अदर इंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज़. कुछ लोगों को अपने घर पे रहकर ही कुछ अंदर इंडोर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है, कुछ को बाहर जाके जैसे स्पोर्ट्स प्ले करना, पिकनिक जाना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है. लेजर एक्टिविटीज़ आर दोज विच वी डू इन आवर फ्री टाइम. लेजर एक्टिविटीज़ वो होती है जब हमारे पास फ्री टाइम हो और हम उस वक्त में करते हैं. तो लेजर एक्टिविटीज़ में देखो आउटडोर है, साइट सीइंग, कुछ आप देखने चले गए, कुछ अच्छे है ना मॉन्यूमेंट्स देखने चले गए, साइकिलिंग करना, फिशिंग करना, गो टू द बीच पर चले गए, शॉपिंग करना, ये सब आउटडोर एक्टिविटीज़ है. इसके बाद है इनडोर एक्टिविटीज़, वॉचिंग टीवी देखना, डांसिंग करना, स्विमिंग करना, लिसनिंग म्यूज़िक सुनना, राइटिंग लिखना है ना, ये सब चीज़ें इनडोर एक्टिविटीज़ हैं. अब आपको देखना है, अपने विजडम को चेक करना है और आपको क्या करना है कि आपको इन में से जो भी एक्टिविटीज़ पसंद है आपको वो राइट करनी है यहाँ पे. यस, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर दीज. स्केटिंग कैसी एक्टिविटी है, एक्साइटिंग. फिशिंग कैसी है, फन. एंड पेंटिंग, एक्साइटिंग. आफ्टर दैट हॉबीज़ पिरामिड. डू इनफ, क्या बहुत ज़्यादा करना चाहिए, पर्याप्त करना चाहिए. डू इनफ स्ट्रेटनिंग एक्टिविटीज़ टू कीप योर मसल्स फॉर्म. यानी एक्सरसाइजेज होती है और है ना, ये हमेशा इनफ करनी चाहिए, पर्याप्त करनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा करनी चाहिए ना बहुत कम करनी चाहिए. इससे आपकी मसल्स जो हैं अच्छी बनी रहती हैं. डू प्लेंटी, ज़्यादा करना चाहिए. क्या, वॉकिंग ज़्यादा करनी चाहिए, डांसिंग करनी चाहिए और स्टेज पे आना जाना ना ऊपर नीचे. जस्ट कीपिंग मूविंग व्हेनेवर यू कैन. आप हमेशा मूव करते रहो, ठीक है. उसके बाद है डू लेस, कम करना चाहिए. क्या कम करना चाहिए, स्पेंड लेस टाइम सिटिंग अराउंड वॉचिंग टीवी और यूजिंग कंप्यूटर. यस, इट इज़ राइट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीवी नहीं देखनी चाहिए. आप कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप अपने फेवरेट शोज़ को देखकर काफ़ी लंबे टाइम को देखने के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक आप टीवीज़ के पास में बैठते हो. तो ज़्यादा टाइम टीवी के पास में स्पेंड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ नहीं करने चाहिए. डू मोर और करनी चाहिए, ज़्यादा क्या करना चाहिए. डू मोर इंटेंस एक्टिविटीज़ दैट वार्म अप मेक यू ग्लो, जो तुम्हें अच्छा बनाए रखे, ठीक है. जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा कीजिए. हॉबीज़ लाइक वॉचिंग टीवी शुड नॉट बी प्रैक्टिस वेरी ऑफन एज इट मे प्रूव हार्मफुल. इस तरह की हॉबीज़ जैसे टीवी वॉच करना काफ़ी लंबे टाइम तक, ये आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकती है अगर आप लंबे टाइम तक देखते हो तो. आई विल नॉट जस्ट मेक यू डल एंड लेजी बट
इट विल नॉट जस्ट मेक यू डल, या आपको डल या लेजी नहीं बनाती है, लेकिन आपकी आइज़ को मैक बट कैन ऑल्सो मैक यू आइज़ वीक, लेकिन आपकी आई सेट को वीक कर देती है। यू मे ऑल्सो बिकम ओवर वेट, इनकी वजह से आपका वेट भी बढ़ता है और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कमी आ जाती है। थ्रू परस्यूइंग अ हॉबी इज एवरीबडी इज True, pursuing a hobby is everybody's individual choice, but we should try to pursue at least one outdoor hobby which requires some physical activities like playing a sport, swimming, visiting places, etc. This would not just make you happy, but also keep you physically fit and strong. कुछ एक्टिव, हर किसी की अपनी एक फेवरेट कोई हॉबी होती है, इंडिविजुअली पसंद होती है उसकी, लेकिन हमें अपनी इन एक्टिविटीज़ में आउटडोर हॉबीज़ को ज़रूर डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि विच रिक्वायर्स, जिसमें हमारे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हो, इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ को ऐड करना चाहिए अपनी हॉबी में, जैसे गेम्स खेलना, स्विमिंग करना, विजिट करना। दिस वुड नॉट जस्ट मेक यू, ये सिर्फ आपको खुश नहीं बनाती बल्कि आपको फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग भी रखती है। यस, एक्टिविटी टाइप, यस आपको बताना है कि ये जो एक्टिविटीज़ है कौन से प्लेसेस पे होती है। स्काइंग होती है स्नो कवर्ड हिल्स पर, उसके बाद स्कूबा डाइविंग, ये अंडर डाइविंग की जाती है अंडर वाटर, पानी के नीचे, चाहे वो सी में हो, रिवर में हो। फिशिंग होती है एट द बीच ऑफ, किनारे पे, पॉन्ड के, रिवर के, ओशन के किनारे पे, है ना। आफ्टर डेट साइकिलिंग ऑन क्लीन रोड्स पर कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग एट द प्लेन और हिली एरिया, दोनों एरियाज़ में होती है हॉर्स राइडिंग। बंगी जंपिंग, देखो बंगी जंपिंग क्या होता है कि एक ब्लेड के थ्रू जंप किया जाता है और वो एक इलास्टिक जैसे रॉप से टाई किया हुआ होता है और फिर उसके बाद वो एक रिवर में जंप करते हैं ना। सिंगल मैन जो या वुमेन है वो माउंटेन से रिवर में जंप करते हैं, एक रोप होती है इलास्टिक काइंड, उससे उसके थ्रू, तो इसमें आएगा फ्रॉम माउंटेन टू रिवर। आफ्टर दैट सर्फिंग ऑन द वेव्स ऑफ सी की वेव्स पर किया जाता है सर्फिंग। सन बाथिंग एट द बीच ऑफ सी के बीच पर किया जाता है। यस, उसके बाद है ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। यस आई विल एक्सप्लेन यू, बट बिफोर इट we will do with the blanks of this chapter. Hobbies are activities that people like to do in their spare time. A person may become like a machine if he does his or her routine work throughout the day. After that, there are two types of leisure activities, indoor and outdoor. We should spend less time sitting around or watching television. One should not follow activity dangerous. Hobbies give us mental and physical relaxation. Yes, आपको इन pictures को देखकर और इन activities के name लिखने हैं, तो first playing guitar, dancing, third painting. Yes, आपको अपनी आपकी जो favorite hobby है उसके बारे में यहाँ कुछ lines लिखनी है, कुछ भी। डांसिंग है तो किस तरह का डांस आपको पसंद है, कब करते हो, और यस किसने, कहाँ सीखते हो, वो सब आपको जो भी आपकी हॉबी से रिलेटेड है, जैसे प्लेइंग क्रिकेट है तो वहाँ वो कहाँ प्ले करते हो, कब प्ले करते हो, किसके साथ प्ले करते हो, वो आपको यहाँ राइट करना है इस तरह से। आफ्टर दैट ट्रू और फॉल्स, हॉबीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ वन्स पर्सनैलिटी। Hobbies like watching TV should be practiced very often. False. In a hectic schedule, we have sufficient time to pursue our hobby. True. Leisure activities are those which we do in our free time. हमारे free time में जो activities करते हैं वो, yes, true. True. Hobbies are meant only for children. और hobbies का मतलब सिर्फ childrens होता है, तो no, सबके लिए होता है ये. So false. Hobbies keep us physically fit and strong. Physically fit or strong रखती hobbies, so true. Yes, यहाँ पर आपको कुछ pictures दिए हुए हैं, उसके बाद आपको hobby का name write करना है, listen music, flying kite, painting, and after that skating, singing and cycling. यहाँ पे words already activities दी हुई हैं और pictures हैं, pictures में जो suitable है वो आपको write करना है। कुकिंग, लिसन म्यूजिक, वॉकिंग, चैटिंग, प्लेइंग, पेंटिंग, साइकिलिंग,
ट्रैकिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स, एक्सरसाइज, बुक रीडिंग, शॉपिंग. ओके, एज वी हैव डन बुक एक्टिविटीज, आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज अ हॉबी? हॉबी क्या होती है? हॉबी इज एन एक्टिविटी दैट वन लाइक्स टू डू इन वन्स स्पेयर टाइम. जो आपके पास फ्री समय है, फ्री टाइम है, उसमें करना आपको, जो एक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा करना पसंद है, उसे हम कहते हैं हॉबी. व्हाई शुड ऑल ऑफ अस परस्यू सम और अदर काइंड ऑफ हॉबी? हम सबको और भी अलग तरह की हॉबीज को क्यों यूज करना चाहिए? वी शुड ट्राई टू परस्यू एटलीस्ट आउटडोर हॉबी. हमें आउटडोर हॉबी, कोई ना कोई एक आउटडोर हॉबी जो है वो करनी चाहिए, विच रिक्वायर्स सम फिजिकल एक्टिविटी, लाइक जिसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो, जैसे स्पोर्ट प्ले करना, स्विमिंग के लिए जाना या किसी प्लेस पर जाना. ये हमें हैप्पी रखने के साथ साथ हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाती है. मेंशन एनी टू ऑफ योर फेवरेट हॉबीज. अपनी हॉबीज में से जो आपकी फेवरेट हॉबीज़ है, तो वो टू हॉबीज़ आपको राइट करनी है. जैसे मैंने यहाँ राइट कर दिया है, डांसिंग एंड लिसन म्यूजिक एंड साइकिलिंग. ओके, क्योंकि साइकिलिंग करना ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को पसंद होता है. ओके, वी हैव डन दिस चैप्टर. इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. हैव अ नाइस डे. बाय.